नमस्कार, मैं बाबा अनिल अनिल मजूमदार। आज मैं आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहा हूँ ये एक हॉरर स्टोरी है। कोरोना काल से पहले एक दिन मेरे परिवार में सब लोग बाहर चले गए थे, मैं अकेले था घर में। मैंने सोचा कि ज़रा सा जो है मतलब जाके कुछ मतलब हॉरर एक्सपीरियंस लिया जाए। तो मेरे नज़र में था कि जो पुराने रेलवे के क्वार्टर्स होते हैं ना, टूटे फूटे चच्चर, अभी कुछ शायद एक महीना या दो महीना हुआ होगा, तो वहाँ पर जो है एक 45 साल की औरत के साथ शारीरिक संबंध करके फिर उसको मार दिया गया। और वो जो है एक कोई रिक्शे वाला या कोई था, रामू नाम का, जिसने उसको मारा था। पुलिस ने पकड़ लिया, केस हो गया। तो वैसे एक क्षेत्र में कोरोना काल से पहले मेरे घर में कोई नहीं था, मैं चुपके से सब कुछ बंद बंद करके मैं भैया निकल गया ना। अब मैं जगह नहीं बताऊंगा, नहीं तो लोग बाग फिर जो है वहाँ पहुँचने लगेंगे। रात के करीब 10 बज रहे थे, चारों तरफ सन्नाटा, बड़ी बड़ी घास थी, टूटी फूटी बहुत सारे क्वार्टर्स बने हुए थे। मैंने कहा एक एक क्वार्टर को देखे, मेरे पास सिर्फ टॉर्च नाम की चीज़ थी या मोबाइल का टॉर्च था बस। मोबाइल में फुल जो है वो करके ले गया था, चार्ज करके, कि रोशनी की कमी ना पड़े। और जब मैं रात में वहाँ पहुँचा तो विचित्र सा मुझको जो है लगा कि जैसे यहाँ बहुत भयानक प्रेत आत्माएँ घूम रही हैं। और उन क्वार्टर्स में तो कोई भी शायद नहीं रहता था, कोई भी, क्योंकि मुझको जन्म शून्य दिखाई पड़ा। एक क्वार्टर, दो क्वार्टर, तीन क्वार्टर, सब जगह में घूमते घूमते रात के करीब 11:30 बजे एक मैं पहुंचा तो देखा ज़मीन पर कथरी बिछाए एक नहायत ही गंदी विवस्त भयानक बूढ़ी औरत जिसके बाल खुले हुए थे। वो तकिए की जगह झोला रख के और सो रही थी, शायद गहरी नींद में थे, उसको मेरे आने का पता नहीं चला। पहले मैं झिझका, लेकिन उस औरत का चेहरा देख के, सोते हुआ चेहरा देख के मेरे में भय का संचार हो गया। मैं एकदम से समझे कि मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए उसको देख के, क्या ऐसी भयानक सूरत, और बहुत बदबू आ रही थी, हो सकता कोई भिखारी नहीं हो। तो मैं जो हूँ जरा सा हुआ तो देखा दो जो हैं नरमुंड, वो आपस में पता नहीं खेल रहे थे क्या, एक दूसरे के मुंह के ऊपर मुंह लगा हुआ था, दांत में दांत गड़ा हुआ था, दांत भी थे उस नरमुंड में। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा तो दोनों जो हैं एक लहमे के लिए बिल्कुल अलग हो गए, और लगा जैसे वो मेरी तरफ देख रहे हैं, उनकी आंखें चल रही थी और भयानक आवाज़ें आने लगी उनमें से, पूरा कमरा गूंजने लगा। लेकिन आश्चर्य बात है, उस भयानक आवाज़ में भी उस बूढ़ी भयानक औरत के नींद ही नहीं टूटी, शायद कोई नशा पानी की हो या कुछ की हो। और फिर लगा कि वो जो हैं दोनों नरमुंड जमीन पर गिरे और मेरी तरफ आने लगे। मैं डर के मारे सक पकाया, मैंने उस समय हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहा, लेकिन मैं वो भी भूल गया। हनुमान जी की इतनी सिद्धियां मंत्रों की कि वो भी मैं सब भूल गया। दिमाग में नहीं, सिर्फ एक डर और डर। मैं भागा
और जैसे ही मैं बाहर की तरफ निकला कि बाहर की तरफ निकल के रोड पर आ जाऊं, तो देखा वो ही बूढ़ी औरत, बिल्कुल बाल खुले हुए, सफ़ेद काले बाल जैसे थे, बड़े बड़े बाल, आंखें बिल्कुल जल रही थी, अंधेरे में भी आंखें उसकी लग रही थी जैसे कोई प्रेतात्मा की आंखें हो। वो मेरे पीछे दौड़ी और मैं जो हूँ दौड़ा, और अचानक मैं जो हूँ वहाँ शायद कोई गड्ढा खुदा था या क्या था, मैं गिरा और मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई। और मैंने महसूस किया कि जब मैं गिरा हूँ तो मेरा सर ऊपर और पीठ उस गड्ढे में था, और वो भयानक औरत और उसके पीछे पीछे नरमुंड हंसते हुए विभस्त हंसी, ऐसी भयंकर हंसी कभी नहीं सुनी, औरत की इतनी चीखे, दर्दनाक चीख। और वो धीरे 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 मेरे गड्ढे पर झुकने लगी, उसके बाल जो है मेरे सर पर पड़ने लगे। मैं बहुत आप बताइए, इनको लहंगा बेचने की पड़ी है, मैं यहाँ भूत की कहानी सुना रहा हूँ, है ना। और जो है इतनी देर में वो मेरे पास मेरे पर झुकी और उसके मुंह की भयानक बदबू मेरे नाक में घुसी। मैं चेतना शून्य होते होते बचा, इतनी ही देर में उस रोड पर पुलिस की जो है सायरन बजाती हुई गाड़ी जो रात में गश्त लगाती है 112 वाली, वो निकली खूब जोर जोर से और शायद रुकी 5 मिनट के लिए, और उसमें से कुछ लोग उतरे भी, कुछ पुलिस वाले, और टॉर्च उनके पास तो बहुत भीमकाय टॉर्चें होती हैं, उनसे वो सब जगह सर्च करने लगे। और सर्च करते हैं, जैसे ही उन टॉर्च की रोशनी पड़ी तो ना वो बूढ़ी औरत थी, ना वो नरमुंड थे, ना, लेकिन मेरे दिमाग में उसके मुंह से जो आती भयानक बदबू वो दिमाग में बस गई। पुलिस वालों ने मेरे को देखा क्योंकि मेरे पैर जो है गड्ढे के बाहर निकले थे, तो उन्होंने जो है घसीट के हुए और फिर जो है बोला कि इस जगह आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, नींद नहीं आ रही थी, मैंने सोचा कुछ भूत प्रेत देख लूँ, तो मैं जो हूँ रेलवे क्वार्टर्स में आया था। फिर हमसे पूछने लगे आप करते क्या, मैंने कहा मैं एक यूट्यूबर हूँ और घोस्ट हंटर भी हूँ, मैं सिर्फ भूतों को पकड़ता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा आप तो मेरे दादा के उम्र के बराबर हैं, आप जो हैं यहाँ से तुरंत निकल लीजिए, ये बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ रेलवे क्वार्टर है, टूटा फूटा, यहाँ पर नशेड़ी गंजेड़ी स्मैकी ये सब आते हैं, आप ये जो हैं फोन लिए हैं, अंगूठियाँ पहने हैं और जो माला वाला लटका है ना, ये एक सेकंड में छीन के आपको मार के इसी गड्ढे में डाल देंगे, तो आप यहाँ से तुरंत निकलिए, आप यदि कहीं जाना चाहते हैं आइए बैठ जाइए मेरे वैन में, मैं आपको जहाँ पर टेम्पो मिलेगी वहीं छोड़ दे रहा हूँ। मैं भाई थर 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 कहाँ पर आता, और बदबू तो मेरे पीछा नहीं छोड़ रही थी। फिर उनके साथ वैन में बैठा और पुलिस वालों ने इतने अच्छे थे कि उन्होंने एक टेम्पो जा रहा था उसको रोका, उसमें मुझे बैठाया और कहा ये जहाँ जाना था जाओ और पैसों के तुम डिमांड ना करना, पैसे हम लोगों से लेना। हमने कहा नहीं नहीं हमारे पास हैं पैसे, कहते आप चुपचाप यहाँ से निकल लीजिए बस, और दोबारा कभी ऐसी भयानक जगह पे आने की कोशिश ना करनी। मैंने उनको नमस्कार कहा, आशीर्वाद दिया और अपने घर चला आया।